नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्री डिजिट स्क्वायर के बारे में। थ्री डिजिट स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर सब लोग पहले एग्जांपल देखते हैं। 125 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे? अब ये तो अगर हम ऐसा करें 125 × 125 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इधर फिर इधर काफ़ी लंबा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा आसान तरीकों के बारे में कि कैसे आसानी से किया जाए। तो इसका पहला स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट, उसमें हमें क्या करना है, जो ये नंबर है, ये नंबर को इसी के साथ, समझ लो 25 है लास्ट का, दो नंबर जो रहेगा उसी को टोटल नंबर के साथ ऐड करना। जैसे कि 125 है तो इसमें लास्ट का दो डिजिट को ऐड करना है, तो मतलब 150 हो जाएगा। स्टेप टू हमारा है, स्टेप टू में क्या करना है, ये जो आप प्लस करके जो इक्वल आएगा, जो नंबर आएगा, उसमें हमने अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये टोटल हो जाएगा 15 1 2 3 3 0। अब जो स्टेप नंबर फोर है, स्टेप नंबर सॉरी थ्री, उसमें हमें क्या करना है, ये जो डिजिट दो नंबर है इसका मल्टीप्लाई करना है। 25 × 25 ये हो जाएगा 625 625। अभी हमें क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है, 150 625, इसको ऐड करेंगे 5 2 6 1 5 1, ये इसका 125 का, ये 125 का स्क्वायर आएगा। अब हम कैलसी में देख लेते हैं, हमारे पास कैलसी है। जैसे कि कैलसी में ऑन किया, 125 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 15625 15625। तो इस आसान तरीके से हम इसका किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 133 का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा। तो अपना फर्स्ट स्टेप, एक टोटल जो नंबर है उसमें लास्ट के दो डिजिट को ऐड करना है, 133 स्टेप वन है, स्टेप वन, वन प्लस 33 तो 166। स्टेप टू क्या था, 166 × 100 16600। स्टेप थ्री क्या है, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 33 × 33, तो ये हो जाएगा। अगर ये है तो अपन आसानी से ऐसा कर सकते हैं, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 9 9 18 और ये 9 1 10, ये होगा तो 189। अब इसको इन इसको ऐड करना है, स्टेप फोर, स्टेप फोर 16600 प्लस 1089, तो ये कितना होगा, इसको डायरेक्ट ऐसा ऐड कर सकते हैं, 9 8 0 6 ओ सॉरी 1, तो 9 8 6 7 1। अब हम इसको कैलसी हमारे पास है तो कैलसी में भी करके देख लेते हैं, किसका 133 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 17689। तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो थ्री डिजिट का स्क्वायर करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही ट्रिक के बारे में और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।